बदमाशी करता है, इसीलिए देखो ये सब पे जख्म आ रहा है। बदमाशी जो बच्चा करेगा उसको ये सब पे जख्म हो जाता है। हाँ हाँ, जो बच्चा बदमाशी करेगा सबको जख्म होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और बदमाशी नहीं करो, ठीक है? चलो लाओ, थोड़ा स्पाइसी करके बना दूंगी। तो फैन सैम की हो गई है तबीयत ख़राब, वो हो गया फीवर जो कि दवा खाने के बावजूद नहीं उतरा, वो सरद गर्म वाला जो फीवर हो रहा लग रहा वही हो गया, तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं मार्केट जा रही हूँ, उनके लिए लाऊंगी दवा और थोड़े से फल ले आऊँगी। लगे ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप गेट बंद कर लीजिए, आइए। आप प्लास्टिक दीजिए मुझे, ले लीजिएगा, हो गया। क्या दो टाइम खिलाना है? दो टाइम सब सामान तो हमने ले लिया, फैंस मेडिसिन वगैरह ले लिया, और मैं आई हूँ ना थोड़ा पानी पूरी मुझे लेने का मन कर गया अपने लिए, पानी पूरी देख के तो बस जा रही हूँ पानी पूरी लेने, और पानी पूरी लूँगी उसके बाद डायरेक्ट घर जाऊँगी, रुकूँगी नहीं क्योंकि शाम कर रहे होंगे वेट। पानी पूरी तो बहुत सारा है बट यहाँ पर से मैं लेती हूँ, जब भी लेती हूँ यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, तो यहीं से लूँगी। नहीं पैक करवाना, मैं जैसा खाती हूँ आपके यहाँ से तो ले जाती हूँ। बस सब चीज़ ले लिया फ्रेंड्स और अब मैं जा रही हूँ घर, पानी पूरी भी हमने ले लिया, टोटो में बैठ गई, टोटो अभी खाली है, इसमें पूरा पैसेंजर भरेगा तब ये जाएगा। सीने से देखिए मैं कैसे भर गई हूँ, लेट लग गया क्या? नहीं जल्दी आ गए, बहुत गर्मी है, पाक फिर पानी पूरी का सारा पानी पूरा पानी गिर गया, पानी पूरी कुछ तो है ना, कुछ तो है ना, वो तो हाथ में थोड़ा तो पूरा पड़ गया पानी का, नहा ही गया पानी से, इतना इतना में खाओ, एडजस्ट करो, नीचे से बाउल दीजिए तो अभी फिर गिर जाएगा। तबीयत खराब है मेरा, इसको बाउल चाहिए, इसको पानी के लिए पड़ा हुआ है, पूरा तो गिर गया, मैं ज्यादा मांग करके लेके आई थी, इसलिए नहीं मांगना चाहिए गरीब आदमी का। कुछ भी आप बोल रहे सही बोल रहे हैं, पूरा फिर साफ भी करना होगा। मिल गए क्या है? नहीं चिकन ली, कलेजी आप बोले तो वो नहीं मिला, वो थोड़ा टाइम से जाने से मिलता है, 250 ग्राम चिकन ले ली, तंदूरी बना दूंगी और ये एप्पल और ये इसमें ऑयल खत्म हो गया तो ऑयल ले लिए। वैसे सैम को भी दूंगी, अच्छा लगेगा, फीवर का है ना टंग तीता तीता बना हुआ, अच्छा जहाँ से अच्छा मतलब टेस्ट रहता, खट्टा ज़्यादा रहता वही का लाइए, खाइए आप, आपको बनाने आता है? रुकिए मैं बना के दे रही हूँ, ऐसे नहीं बनता, रोटी सब्जी की तरह लगा के खा रहे ये देखिए क्या हालत हो गया। ये लीजिए खा लीजिए, उठिए उठिए उठ के, दवाई दवाई ठीक है ना? हाँ दवा खराब रहेगा तो, पानी पीजिए, दवाई थोड़ा गड़बड़ है यार, तो दवाई में भी मिठाई का टेस्ट रहेगा क्या? कुछ गलत दवाई तो नहीं ले रही? कुछ भी बोल रहे हैं, दवा दवा ही होता है, कड़वाई होता है। शाम को मेडिसिन वगैरह देने के बाद फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन को, वही तंदूरी ग्रिल जो भी बोले बनाने का। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया जिंजर, उसके बाद फिर मैं इसमें कट कर रही हूँ 3 पीस 4 पीस के करीब, ना छोटे ही साइज़ के थे, ग्रीन चिली मैं ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद जो है ना, अब चिकन की क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपके सारे मसाले की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ना बढ़ जाएगी, इतना तो हम सबको मतलब घर में किचन में काम करते करते आइडिया रहता ही है फ्रेंड्स कि किस चीज़ में कितनी क्वांटिटी में मतलब सामान बढ़ने से क्या क्या बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने डाला है 6-7 कली गार्लिक के, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कट ये हमारा अच्छा खासा खट्टा वाला है,
सो इसीलिए इतना ही डाला है हमने। बाकी अगर आपके घर में जितना बनता हो उस हिसाब से देख लें। अच्छा, चिकन का यहाँ पर मेन है कि चिकन को अच्छे से आपको क्लीन करके पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो देखिए, चिकन का पानी ड्राई हो गया था, तो सबसे पहले मैंने उसमें ब्लैक पेपर डाला था, देन फिर सॉल्ट, उसके बाद रेड चिली पाउडर डाला है, यहाँ पर थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर हमने ऐड किया है, देन ऊपर से ना आपको हाफ लेमन जूस निचोड़ देना, क्योंकि मेरा 250 ग्राम ही चिकन है इसलिए हाफ मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। अच्छा, वो जो मसाले सारे हमने रेडी किए थे उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, तो उसका जो पेस्ट बना था प्यूरी उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। देन जार में जो भी थोड़े बहुत मसाले तो लग ही जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको भी मैंने अच्छे से धुल करके इसमें ऐड कर लिया। अब ज़्यादा अगर आपके पास ओवन वगैरह हो तो आपको बिल्कुल ड्राई सारे मसाले रखने हैं, लेकिन मैं क्योंकि इसको पहले चिकन को अलग से कुक करूँगी, देन उसके बाद इसको ग्रिल करूँगी, तो मैं ऐसे जो है ना करती हूँ। उसको मैंने एक घंटे नहीं बोलेंगे, ज़्यादा टाइम में मैं थोड़ा इंस्टेंट ही बनाऊँगी, क्योंकि शाम को भूख लग रही है, उनको खाना भी खाना है। तो बस मैंने ना ये क्या किया है फ्रेंड्स कि 10 मिनट के करीब छोड़ा था, और उसके बाद फिर मैंने ना कढ़ाई गर्म करके उसमें ज़रा सा ऑयल लिया, ऑयल में सारे चिकन को ऐड कर दिया। अब मैं क्या काम करूँ ना, ढक्कन डाल करके इसे दम होने के लिए छोड़ दूँगी, मतलब कुक होने के लिए, अच्छे से चिकन गल जाए, इसमें सारे मसाले चले जाए। और आप क्या कम करें कि अगर आपके के पास, जैसे अगर मेरी पहले से प्लानिंग रहती ना दोपहर से ही या मॉर्निंग से ही कि डिनर में मुझे चिकन बनाना है तंदूरी, तो मैं क्या कम करती हूँ कि फिर ना सारे मसाले का मैरिनेशन करके जैसे मैंने किया था, उसके बाद उसको फ्रीज में स्टोर करके मैं छोड़ देती हूँ, डायरेक्ट डिनर में निकाल के बनाती हूँ। लेकिन अब जैसे मुझे इंस्टेंट बनाना था, तो फिर मैं फ्रीज में नहीं रखूँगी, फिर बाहर ही रखूँगी, तो फिर अंदर से अच्छे से चिकन में सॉफ्टनेस आ जाती है। तो उस तरफ तो चिकन को मैंने लो फ्लेम पे छोड़ दिया फ्रेंड, धीरे धीरे पकेगा और उसका पानी भी सूखेगा, उसको भूनना है मुझे, मतलब उसका पानी को बिल्कुल ड्राई कर देना है, इतना कि उसमें से ना ऑयल छोड़ दे, जो भी ऑयल हमने थोड़ा बहुत डाला है वो जब छोड़ तक दे। मैं इस तरफ ना 4-5 रोटी जल्दी जल्दी सेक ले रही हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों से कुछ बातें भी कर लूँ। तो मुझे ये बात करनी थी कि एक या 2 दिन के पहले के ब्लॉग में शायद कमेंट आया था, मैंने उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था, मुझे आंसर करना था। तो उन्होंने कमेंट किया था कि बाजी आप बताएं कि आपके शौहर का जो नाम है वो शैम क्यों है, और उनका नाम अगर शैम है, मतलब असल में शैम ही उनका नाम है, अगर उनका नाम शैम है तो फिर आप उनका नाम लेकर के उनको क्यों बुलाती हैं। तो डियर, ऐसा है कि शैम का नाम असल में शैम नहीं है, उनका नाम है मोहम्मद एहतिशाम, लेकिन क्योंकि मैं जब शैम से मिली थी ना, और जब हम दोनों साथ रहने लगे थे, तो मैंने देखा कि उनके सारे फ्रेंड्स जो उनके कॉलेज के टाइम के, स्कूल के टाइम के, या कोलकाता में जो भी फ्रेंड थे, फिर मैं झारखंड रहने के लिए गई थी तो वहाँ भी, रांची में भी जो भी फ्रेंड थे शैम के, सब ना शैम को एहतिशाम नहीं, शैम करके बुलाते, यानी एहतिशाम का लास्ट का जो थी, मतलब 3 लेटर है SHAM, उसको ही उनके दोस्त लोग ज़्यादा कम्फर्टेबल थे बुलाने में, तो बस वही नाम उनके सारे फ्रेंड्स में वही नाम था। तो अब क्या होता था कि शैम जैसे बाहर चले गए, उनके कोई भी दोस्त ढूंढने के लिए आते थे कि शैम भाई नहीं है ये, तो मतलब वो सुन सुन के मुझे ये हो गया, आदत हो गया। देन जब मैं ऐसे उनका नाम लेकर के नहीं बुलाती हूँ, लेकिन जब से मैंने अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट की, तो मुझे ना आप लोगों को बताने के लिए नाम लेना पड़ता है कि शैम, हालांकि मैं नाम लेने में कंफर्टेबल भी हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने शौहर का नाम ले सकते हैं तरीके से, उसमें सिर्फ रेकार नहीं आना चाहिए, बाकी आप तरीके से अपने शौहर का नाम ले सकते हैं। बस यही रीज़न है फ्रेंड्स, और मुझे भी आदत हो गई है शैम को, मतलब एहतिशाम को शैम करके बुलाने की। डिनर बनाते बनाते फ्रेंड्स मेरी हालत देखिए, पूरा पसीना से मैं नहा ली हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से किचन में और ज्यादा, मतलब गैस के पास, आग के पास और ज्यादा गर्मी लगती है। एकदम देखिए पूरा मेरा कपड़ा गीला है, अभी भी देखिए पसीने टप टप आ रहे, और सैम कर रहे अपना डिनर इंजॉय। उनको थोड़ा मतलब वो फीवर वाला में तो आपको पता ही है कैसा तीता तीता हो जाता है टेस्ट, तो इसलिए मैं तंदूरी बना दी, क्योंकि शाम को मेरे हाथ की तंदूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बना दी हूँ, तो वो अच्छे से अपनी गर्मा गर्म रोटी, तंदूरी, तुरई दाल, ये सब अच्छे से खा लेंगे। फैन हमने ऑन कर दिया फ्रेंड्स, अब थोड़ी बहुत फैन की नॉइज चाहिए, तो गर्मी में चल रहा है। हाँ, पसीना चल रहा है, प्लग कर रही हूँ तो फैन तो ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी नॉइज बहुत ज़्यादा जाती है। और मुझे भूख नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी, सिर्फ एक पीस तंदूरी खाऊंगी, क्योंकि मैं पानी पूरी वगैरह खाई हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी भूख नहीं है रोटी वगैरह ऐसा कुछ खाने का। पकाती जो नहीं तो फिर ओवन चाहिए उसके लिए, या तंदूर चाहिए, ये पूरा अंदर तक गला हुआ है ना सारे मसाले का जो ये गया, अगर मैं उसको अलग से नहीं गलाते तो सिर्फ तंदूर करने से नहीं गलाते।
गैस पूरा एकदम साफ था फ्रेंड्स, लेकिन देखिए जब भी चिकन तंदूरी बनाती हूँ तो गैस का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो इसको मैं रख रही हूँ धुलने के लिए। फिर से इतने सारे बर्तन निकले हैं, सबको धुलना, अभी मैं सोने से पहले धुलूँगी इसको, जब तक साफ कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। नहीं तेल का है ना चिप 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 अजीब पकड़ लेता है, बस थोड़ा सा हाथ लगा ये हो गया, अब उसको धुल दूँगी ना तो फिर काम ही खत्म। A few moments later. अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स रात के 11 और मैं बर्तन वगैरह सारा अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ और किचन का भी काम पूरा खत्म हो गया। अब जा रही हूँ ब्लॉग एडिटिंग वगैरह का काम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब दो दो ब्लॉग मुझे एडिट करना है क्योंकि एक दिन पहले का जो मतलब ये ब्लॉग जो जाएगा उसके एक दिन पहले आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिला था, वो मैं बना नहीं पाई थी। सो आज मैंने दो ब्लॉग बना लिया। तो होता है फ्रेंड्स कभी कभी कि कभी कभी कोई ब्लॉग नहीं बना, कभी कभी बना तो एक धुन सवार हो जाता है, दो दो ब्लॉग भी बन जाता है। सो बस अब कोई भी रूटीन नहीं है फ्रेंड्स। और हाँ, मैं इसमें रखी थी नींबू, जो नींबू चिकन वगैरह में मैं डाली थी, निचोड़ी थी, तो जब भी नींबू सैलड वगैरह में भी मैं डालती हूँ तो उसका जो ये छिलका बच जाता है ना उसको मैं पानी में रख करके छोड़ देती हूँ, और एक डेढ़ घंटे छोड़ करके फिर उसको छिलका को हटा करके उस पानी को पी लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। सो मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया, तो बस उसे जा रही हूँ निकाल करके पीऊँगी फ्रेंड्स। और बस ब्लॉग का ही एडिट करते करते फ्रेंड्स एक बज जाएंगे, और मतलब दो दो ब्लॉग का एडिटिंग करना है। और एडिटिंग ही सिर्फ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे वॉइस ओवर की ज़रूरत है वहाँ पे वॉइस ओवर भी करना है फ्रेंड्स। तो बस ये सब करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। पूरी लाइट वगैरह हॉल वगैरह की ऑफ है, सिर्फ एक किचन की लाइट चल रही है और उसी की रोशनी यहाँ पर आ रही है, उसी के से मतलब उसी रोशनी से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो पहले ये वाला पानी पी दे रही हूँ। नींबू का जो छिलका होता है फ्रेंड्स वो कड़वा होता है ना, थोड़ा सा पानी में खटास तो है ही है, थोड़ा सा कड़वापन भी आ जाता है। चलिए ये भी हो गया। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।